यूपी के मुरादाबाद में इन दिनों स्कूलों के बच्चों को शिक्षकों की ओर से टॉर्चर किया जा रहा है। मामला एसएमएस पब्लिक स्कूल का है, जहां स्कूल में आए दिन बच्चों के साथ ट्यूशन ना पढ़ने को लेकर अध्यापक बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर उन्हें टॉर्चर करते हैं। बच्चे को स्कूल टीचर कहते हैं कि अगर तुमने ट्यूशन नहीं की तो फेल कर दिया जाएगा। वही स्कूल प्रिंसिपल ने अभिभावकों को जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। नाम विशाल सिंह है, मैं श्री मनमोहन एसएमएस बेजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। क्या समस्या है? समस्या है कि दो टीचर हैं, कमल जोशी एंड टीचर, वो हमें ट्यूशन के लिए फॉलो करती हैं और हम पर मारपीट करते हैं और अब्यूजिंग करती हैं, जिसके कारण हम सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं और हमें फॉलो करती हैं ट्यूशन के लिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमसे ट्यूशन पढ़ना वरना हम फेल कर देंगे तुम्हें। टेंथ क्लास की बात है। क्या नाम है टीचर का? कमल जोशी है ना, अच्छी टीचर। कितने बच्चों को टॉर्चर करते हैं? हैं 7-8 बच्चे उन्हें टॉर्चर करते हैं। आज आपने क्या करा स्कूल में? आज आप हमने उनकी कंप्लेंट करी तो टीचर्स कह रहे हैं आपको 2-3 दिन में परफॉर्मेंस मिल जाएगा। मैं मोहल्ले में रहता हूँ, क्लास 10 का स्टूडेंट। क्या समस्या है सर? ये धमकाते हैं बच्चों को, धमकाते हैं, कहते हैं कि फीस जमा करो पेपर कर दिया जाएगा आपका, फीस जमा नहीं होगा पेपर और इसको लाओगे तो पिटोगे। ट्यूशन में और कुछ पढ़ाते हैं, क्लास में और कुछ पढ़ाते हैं। मतलब ट्यूशन लगाने कहते हैं कि? हाँ सर, ट्यूशन लगाने कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमसे पढ़ो, ट्यूशन नहीं तो फेल कर दूंगा। कौन कहता है? सर एचडी सर और जोशी सर। आपने क्या शिकायत की आपने स्कूल में आके? की थी सर, सर कह रहे थे मिल जाएगा 2-3 दिन में सॉल्यूशन करवा देंगे आपका। अच्छा सर, ये कह रहे थे, इससे कहा था सर के साले को मार पीट के चल रहे हैं, हाथ पैर तोड़ दो चल रहे हैं। फिर ये कौन कहता है? सर कमल जोशी सर ने कहा था सर। ये सर समस्या ये है कि सर एक बार अभी इंटरवल में मुझे एक जो उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं एच सर जो सर से उनके उस बच्चे की मेरी कॉपी हाथ लग गई थी। मैंने देखा तो उस कॉपी में जाता था जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें कम था, तो मैंने सर से कहा कि अब मैं जो है प्रिंसिपल सर से कहूँगा ये बात। लेकिन सर एकदम बीच में आए और मेरे मारा और मुझसे कहने लगे कि इन सालों के हाथ पैर तोड़ो और जो है चल रहे अपने दोनों घर पर अपनी। और आपने स्कूल में किससे शिकायत किया? हमने स्कूल में मैनेजमेंट से शिकायत की तो मैनेजमेंट कह रहा था कि अभी 2-3 दिन में सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरा नाम मोहित गुप्ता है, मेरा बच्चा यश गुप्ता ये एसएमएस बैजी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और इसको जो है ट्यूशन स्कूल में ना पढ़ने के कारण इसको टॉर्चर करा जा रहा है। इसके 4 दिन पहले मैंने कंप्लेंट की, इसकी पिटाई भी की गई थी टीचर्स ने, लेकिन नोच को उसको काफ़ी टॉर्चर करा गया था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा फिर इसको टॉर्चर किया गया, एक दिन टॉर्चर करने के बाद अगले दिन छुट्टी कर लेती है। मैंने मैंने ये कहता है ठीक है 15 दिन के बाद आप आइए तो हम इसका सदुसन निकालेंगे। तो क्या आपने किससे शिकायत किया? पहले प्रिंसिपल साहब से की थी, अब प्रिंसिपल साहब की कि भाई इसे कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैनेजमेंट से कह रहे हैं, मैनेजमेंट कह रहा है 15 दिन के बाद आइए। जब 4 दिन में कोई केस आपने सॉल्व नहीं कर पाए तो 15 दिन में आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे? पुरानी दुश्मनी का ये है, बच्चे की फीस को एक क्लास आगे बढ़वाना चाहता था, एक साल की भी पूरी फीस चाह रहे थे, एक साल की पूरी फीस दीजिए, उस चीज को मैंने इनसे कम्प्रोमाइज करना चाहा, इन्होंने नहीं करा, इन्होंने मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई की। नहीं तो वो भी बताओ ना, ये पिछले 2 साल का मामला है। वो वाली बात होता है जब एडमिशन कराया था यहाँ पे तो उन्होंने कही थी कि आपकी बेटी UKG में आएगी जो 2nd क्लास में आती है यहाँ पे, तो कह लगे कि हमने कि चलो मैंने कहा आप पढ़ा के देख लो 1st क्लास में कर दो, UKG में तो नहीं रखूँगी मैं अपनी बेटी को। तो कह लगे कि आप लिखित रूप में लिख के दे दो, अगर हमारी आपकी लड़की फेल होती है पास होती है हमारी कोई जिम्मेदारी है, तो हमारी बेटी 2nd आई थी उसमें। तो हमने कहा था कि अब हम आके जाके 1 क्लास बढ़वाएंगे अपनी बेटी को, आपने हमारी बेटी के 3 साल खराब करे तो हम भी तो 1 साल ले सकते नहीं ले सकते हैं, तो इस बात की वो दुश्मनी निकाली जा रही है। कितने साल पहले की बात है? यही 2 साल पहले की बात है। उनकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, बच्चे कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। इनकी शिकायत पर मैं परसों गया था इनके क्लास में और मैंने इनके बारे में पूछा कि कितने चैप्टर हो गए, तो बच्चों ने बताया कि 6 चैप्टर हो गए। मैंने कहा 6 चैप्टर तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, चलो मैं सर से बात करूँगा कि थोड़ी स्पीड कम हो जाए और स्पीड कम होने से ज़्यादा सॉल्यूशन एक एक चैप्टर का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करके दिखाएंगे और फिर आप उसको रिपीट करते रहना, और हमें अक्टूबर तक सिलेबस पूरा करना है, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है। तो बच्चों से कह के ये हमारे टीचर से भी ये बात बोली और फिर कल ये क्वेश्चन आया जब बच्चे मेरे पास नहीं आए और पेरेंट्स को बता रहे हैं बच्चे कि हमारे साथ टीचर ने टॉर्चर किया। यदि हमारे पास ये प्रॉब्लम कल ही आ जाती तो कल ही इसका सलूशन मिल जाता। ट्यूशन को लेकर कोई मामला चले आएगा, ट्यूशन ना पढ़ो पढ़नी पढ़ाओगे फेल कर दिए जाओगे? अब ट्यूशन का तो केसेस अभी हमारे नज़र में तो ऐसा है नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि स्कूल के टीचर के पास ही बच्चे ट्यूशन पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ने के तो बच्चे फ्री हैं, कहीं भी ट्यूशन पढ़ सकते हैं और ट्यूशन पढ़ना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि उनको लग रहा है कि हम वीक हैं हम कहीं ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो वो फ्री हैं कहीं भी पढ़ सकते हैं।
टॉर्चर करने वाला क्या मामला है, टॉर्चर क्यों रखा जाता है बच्चे को? अब ये मेरी नज़र में तो है नहीं, ऐसे मैंने परसों तक क्लास में भी गया था, कल भी मैं राउंड लिया। अब ये टॉर्चर के बारे में, यदि बच्चों को टॉर्चर किया गया तो बच्चे को मेरे पास आना चाहिए, लेकिन कोई बच्चा कल नहीं आया। उनके परिजनों ने शिकायत रखी, आपके सामने क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या चीज़? जैसे मैं उनसे बात करके देखूंगा कि क्या है, नहीं तो सॉल्यूशन तो करना है। सॉल्यूशन के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। टीचर हटाना पड़े, दूसरा रखना पड़े, या वो अपनी आदत में सुधार लें, कुछ तो करना पड़ेगा।